आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में एक बार फिर से जाट आंदोलन शुरू हो चुका है। पहले ही यहां आरक्षण को लेकर गुज्जरों का बड़ा आंदोलन हो चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले जाट आंदोलन बीजेपी की नींद उड़ा दी है, तो क्यों आंदोलन से घबराई दिख रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान से मोदी और बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाली खबर आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा को कुर्सी संभाले हुए एक ही महीना हुआ है कि उन्हें बड़ी परीक्षा देनी पड़ी है, क्योंकि आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है। 22 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया गया है। इसी कड़ी में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल राजस्थान में भरतपुर के गांव जयचौली में भरतपुर धौलपुर के जाट समाज ने 17 जनवरी से आंदोलन शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि केंद्र की नौकरियों में उन्हें ओबीसी के आरक्षण का लाभ दिया जाए। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह का कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसीलिए हम शांति से महापड़ाव कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद आंदोलन उग्र होगा, उसमें रेल को भी रोक सकते हैं और सड़क पर भी जाम लगा सकते हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पास बात करने के लिए निमंत्रण भी गया है और जाट आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से बात करने के लिए भी जाएगा। मिलने के लिए अभी तारीख और समय तय नहीं किया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान के सभी जिलों के जाट समाज को केंद्र की सेवाओं में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। केंद्र में ओबीसी के आरक्षण की मांग को लेकर 17 जनवरी से जाट समाज ने उच्चौन के जयचौली गांव में धरना शुरू किया था। धरना का ऐलान 7 जनवरी को हुई हुंकार सभा में किया गया था। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी के बाद आंदोलन उग्र कर दिया जाएगा, जिसमें स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही महीने का समय शेष रह चुका है। ऐसे में अगर जाट आरक्षण का मुद्दा तेज होता है तो बीजेपी को करीब 50 लोकसभा सीटें जहां जहां जाट समाज का दबदबा है वहां जबरदस्त नुकसान होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी ये सभी सीटें बीजेपी के पास हैं। जाटों के दबदबे वाली सीटों में राजस्थान की 15, हरियाणा की 10, दिल्ली की 2 और उत्तर प्रदेश की 25 सीटें शामिल हैं। जाटों की मांग सीधे सीधे केंद्र सरकार से है, क्योंकि राज्य सरकार की ओबीसी लिस्ट में तो उनका नाम है लेकिन केंद्र की लिस्ट में नहीं है। इसीलिए अगर मोदी सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो जाटों का गुस्सा उसे ही सहन करना पड़ेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।